कौन किसको देखकर दुर्भाग्य जान पाता है, कौन किसके लिए अशुभ होता है, ये शायद इस संसार में कोई नहीं जान सकता। यूं ही हम इंसान एक दूसरे को दोष देते रहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए अशुभ है, वो महिला मेरे लिए अनलकी है। इसकी एक बहुत सटीक मिसाल और कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आए, अगर ये छोटी छोटी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि JDF लाइफ आपको जागरूक करने के लिए और आपके आसपास वो सकारात्मकता भरने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इन छोटी छोटी कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव जरूर महसूस कर सकते हैं। एक राज्य में एक व्यक्ति था जिसके लिए लोग हमेशा ये कहा करते थे कि ये अमुक व्यक्ति बहुत ही अशुभनीय है, यानी कि अशुभ है हर व्यक्ति के लिए। जो भी व्यक्ति इसका मुंह देख लेता है, बस समझ लीजिए पूरा दिन तो उसे खाना मिल नहीं सका। ये बात धीरे धीरे होते होते उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। राजा को लगा भला ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस व्यक्ति को बुलाने के लिए सैनिकों को भेज दिया। अब सैनिक दौड़े दौड़े उस व्यक्ति को ढूंढने लगे। वो व्यक्ति घबराया सा कि राजा मुझे भला क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता चल चुका था कि वैसे ही पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में मुझे लोग अशुभ कहते हैं, लेकिन यदि राजा के पास जाते जाते मेरे वजह से राज्य में कुछ ऐसी परेशानी हुई तो पक्का मुझे मरवा देंगे। डरता डरता वो सैनिकों के साथ राजमहल में जा पहुँचा। राजा ने उसकी आवभगत की और वो इंतज़ार करने लगा कि कब सुबह हो और मैं इसका चेहरा देखूँ और इस बात की पुष्टि कर सकूँ कि क्या लोग सही कहते हैं। रात भर वो बड़े आराम से वहाँ पर रहा। सुबह उठते ही राजा ने सबसे पहले उसकी शक्ल देखी, फिर क्या, क्योंकि ये तो मानसिकता ही बन चुकी थी। उसके बाद राजा किसी न किसी कारण उस राज्य में इतनी समस्याएं आई जिनका निस्तारण करते करते उन्हें दोपहर बीत गई। वो कुछ भी खा नहीं पाए। शाम तक उनके घर में कोई परेशानी आ गई जो पारिवारिक थी, उसकी वजह से वो कुछ नहीं खा पाए। और अब शाम हो चुकी थी, यानी कि सूर्यास्त का समय आ चुका था। लोगों की कही हुई बातें अब राजा को सत्य लग गई। राजा ने तुरंत ही उस व्यक्ति को बुलाया और सैनिकों से कहा कि इसे तुरंत ही फांसी पर लटका दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है और मुझे भी यहाँ तक आज दो टाइम का भोजन नहीं मिल पाया। अनायास ही उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकने के लिए राजा ने आदेश दे दिया और सैनिक उसे ले जाने लगे। उसी समय वहाँ पर मंत्री, जो बहुत ही चालाक था, राजा के पास आया और राजा के इस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह किया कि हुजूर, क्या आप इस व्यक्ति को दंड दे रहे हैं, ये सही है? किसी को भोजन ना मिलने का कारण क्या कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति का चेहरा हो सकता है? राजा सोच में पड़ गया, बोला ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन लगभग सबके साथ यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हुआ है, इसलिए मैंने इसको फांसी की सजा सुना दी। तो मंत्री मुस्कुराते हुए बोला कि हुजूर, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। राजा ने कहा बिल्कुल। मंत्री ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे तो उस व्यक्ति के लिए आपका चेहरा सबसे ज़्यादा अशुभ होगा, क्योंकि सबसे पहले उसने आज के दिन सुबह सुबह आपका चेहरा देखा और उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ रहा है। आपने तो सिर्फ किसी कारणवश भोजन नहीं किया, कारण कोई भी हो सकता था। आप सिर्फ भोजन ना पाने के कारण उसे मृत्यु दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है क्योंकि उसने आपका चेहरा देखा। तो ज़्यादा अशुभ वो व्यक्ति हुआ जिसके कारण लोग खाना नहीं खा पाते, या उसके लिए आप जिनके देखने मात्र से आपको उसे फांसी की सजा सुनानी पड़ी और उसे आज के दिन अपने प्राण गंवाने की नौबत से गुजरना पड़ रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत सैनिकों को मना किया उस व्यक्ति को फांसी देने के लिए। तो कहने का मतलब कहानी ये कहती है कि हम किसी कारण से परेशानी में होते हैं, लेकिन हम कहे सुने की वजह से लोगों के ऊपर यकीन करते हैं और सोचते हैं कि फले वक्त की वजह से हमें ये परेशानी मिली है, बल्कि ईश्वर जो करते हैं वो सही करते हैं। और शायद वो सबक राजा को भी मिला, क्योंकि ये निरर्थक बातें हम दूसरे पर थोपते हैं जो कि सही नहीं है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रेरणा दे रही होगी। अगर दे रही है तो इस स्टोरी को शेयर जरूर करिएगा, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।